स्टूडेंट्स देखिए आप सभी का फ्यूचर डॉक्टर्स का स्वागत है अजीम स्मार्ट एजुकेशन में। देखिए आज हम बात करने वाले नीट यूजी 2024 का काउंसलिंग के लेके क्या अपडेट रहने वाली है। नीट यूजी 2024 में काउंसलिंग के लिए क्या संशय रहेगा और नीट यूजी 2024 की सबसे इम्पोर्टेंट बात की क्या क्या दस्तावेज आपको रेडी रखना है और क्या क्या दस्तावेज जरूरी है, क्या डॉक्यूमेंट्स क्या है काउंसलिंग के लिए जरूरत पड़ेगी नीट यूजी 2024 में। तो इसी बात में ये वीडियो पूरी रहने वाली है। नीट यूजी 2024 के डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करना है आपको, देखिए आपको बताइए 6 जुलाई 2024 से नीट यूजी 2024 का काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो फुल वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो देखिए क्लास का स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं हम आज के टॉपिक पे क्या है, नीट यूजी 2024 काउंसलिंग 6 जुलाई 2024 से रहने वाली है और क्या है दस्तावेज, जो दस्तावेज मैं आपको बताऊं उन दस्तावेजों के बिना नहीं हो पाएगा सम्मिलित। अगर आपने स्कोर आपने क्वालिफाई कर लिया है नीट यूजी 2024 तो आप काउंसलिंग के लिए रेडी रहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले, तो आप वीडियो के साथ बने रहे। देखिए बात करेंगे नीट यूजी 2024 का काउंसलिंग क्या है। देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जो कंडक्ट कराती है उसमें क्या बताया कि जो एग्जाम का रिजल्ट थे 4 जून को घोषित कर दिया। आपने देखा कितनी हम क्या क्या दिक्कत आई उसमें 4 जून को लेकर जब रिजल्ट आया और उसके बाद भी आप सब जानते ही हो। तो देखिए हम ज्यादा आप पुरानी बात नहीं करते बल्कि फ्यूचर की बात करते, काउंसलिंग की बात करते हुए बात करेंगे। देखिए क्या है कि इसके अंदर आपने बताया 4 जून को रिजल्ट आया था, टॉपर की संख्या कितनी 67 थी और जिसमें घटकर क्या है 61 हो गई है, यानी पहले 67 थी अब 61 टॉपर की संख्या हो गई है। देखिए इसमें 24 लाख से अधिक संख्या में स्टूडेंट ने भाग लिया था 5 मई को, ठीक है। अब बात करेंगे और कितने स्टूडेंट है जो क्या है नीट यूजी 2024 का काउंसलिंग इनके लिए इंतजार करें, 13,61,000 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है नीट यूजी 2024। और देखिए अब बात करेंगे इसमें काउंसलिंग शुरू होने पर क्या है BSTC, हाँ जो क्या देखिए ये क्या है MBBS और BTS और BSc नर्सिंग सीटों के आवंटन के लिए 6 जुलाई को काउंसलिंग शुरू हो जा रही है। और इन काउंसलिंग के समय को लेकर कौन कौन से दस्तावेज जरूरत होगी आपको, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए इसके अलावा 6 जुलाई को क्या संशय है पूरी जानकारी रहेगी, 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी ये भी क्या संशय रहने वाला है ये भी हम बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करें नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग शुरू होने को लेकर बड़ी खबर क्या है, बड़ी खबर निकल कर सामने ये आ रही है कि नीट यूजी 2024 शुरू होने को लेकर काफी बड़ी खबर आ गई है। और इस नीट यूजी 2024 में क्या बताया जा रहा है कि 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और आधिकारिक वेबसाइट अगर आप काउंसलिंग करना चाहते तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। देखिए आप बात करें क्या है कि काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा और नीट यूजी 2024 के चरण का काउंसलिंग का चरण जो अभ्यर्थी को लगेगा नीट यूजी 2024 का काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी ये भी बताएंगे हम इस वीडियो में। और पहले राउंड की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एवं रिपोर्टिंग की प्रक्रिया कब शुरू होने जा रही है, नीट 3 दिन का ये वक्त बचा हुआ है, यानी आज हुई है क्या 4 जुलाई हुई है, अब आज का दिन है 5-6, यानी 6 को तो स्टार्ट हो ही जाएगी और 3 दिन का वक्त बचा हुआ। अगर आपके प्रवेश पास कर लिया, अगर आपने नीट यूजी 2024 पास कर लिया है तो आप काउंसलिंग जरूर करवाना, ठीक है। और बात की तो 10 दिन दस्तावेजों को तैयार कर लीजिए जो भी हम दस्तावेज बताने वाले हैं और फिर आपके काम आने वाले हैं दस्तावेज क्या क्या है। देखिए दौरान कौन कौन से दस्तावेज जारी रहेंगे बताने वाले। और दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे हम कि नीट यूजी 2024 की दौरान जरूरी दस्तावेज क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर। देखिए नीट यूजी 2024 के दौरान दस्तावेज की बात कर लिया जाए तो नीट यूजी 2024 में क्या स्कोर कार्ड, सबसे पहले आपका स्कोर कार्ड, उसके बाद कक्षा 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट और साथ ही साथ बात करें इसके अलावा 6 से 8 फोटो पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी आपको और फोटो आईडी प्रूफ जैसे क्या है ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड और लास्ट अपडेट संस्थान से
करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी आपने क्लास क्या है, जैसे आपने 12th पास की तो आप स्कूल से क्या है सर्टिफिकेट मिला होगा आपको, जो चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी आपको अनिवार्य जरूरत है। और अब बात है इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आप उसको रिन्यू करवा लीजिए। अब बात करें देखिए नीट यूजी 2024 का क्या क्या संशय रहने वाला है। देखिए कौन डॉक्यूमेंट्स भी तो हमने बता दिया, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो आईडी प्रूफ में हो जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो हो जाएंगे, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, इसको अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप क्या रिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि देख मूल निवास तो वही रहेगा पर जो जाति प्रमाण पत्र होता है तो उसके क्या है 6 महीने में रिन्यू होता है, नया बनता है, उसको आप रिन्यू करवा लीजिए, ठीक है। अब बात करें देखिए 10th 12th और मार्कशीट तो आपको बताइए, और करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप जो जिस देश वाले स्कूल में आप जिस स्कूल में पढ़े तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा वो आपके पास होगा, और अगर नहीं है तो अपने स्कूल में जाकर करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है। अब बात करें, अब हम बात करने वाले नीट यूजी 2024 को संशय बरकरार होगा या नहीं। देखिए नीट यूजी 2024 के काउंसलिंग की अपडेट हम आपको बता रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बात करें नीट यूजी 2024 में संशय बरकरार होगा, यह काउंसलिंग हो पाएगी या नहीं, क्या जो 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी लोगों को डाउट है, ठीक है। अब बात करें सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि सभी जानकारियों को लेके लिए बात बता दिया जाए कि नीट यूजी 2024 का 6 जुलाई से शुरू होगा, ये तो अपडेट आ रही है, और यह नीट यूजी काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के अधीन होगी, और जो काउंसलिंग होगी जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगी, और साथ साथ देखिए ये नीट यूजी काउंसलिंग के निर्णय के कैंडिडेट का संस्थापक कहाँ है उनका सभी अभ्यर्थियों को बता दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी माननीय होगा, ठीक है। अब बात करें हालांकि काउंसलिंग की प्रक्रिया सभी कैंडिडेट सम्मिलित में 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को डेट लगी हुई है, और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला नीट यूजी 2024 पर करने वाला है, ठीक है। अब ये वीडियो थी, हमने आपको पूरी बताई, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, वंदे मातरम।